अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मिस्त्रियों का काम जारी है जी, छत पे इतनी सी दीवार फिलहाल बनी है, ये डबल दीवार है, ये एक 4 इंची की दीवार है, ये 9 इंच, और ये बीच में जंबो लॉन डालने की जगह, तो इसलिए थोड़ा सा ना इस दीवार पे टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यह है कि ये मुकम्मल तौर पे साउंड प्रूफ भी हो जाती है और हीट प्रूफ भी हो जाएगी, तो फिर अंदर कूलिंग का खर्चा कम हो जाएगा, मतलब कूल रहेगा, गर्म नहीं होगा पूरा कमरा। ये देखें, ये मिस्त्रियों का दस्ताना पड़ा मैंने जी, ये देख के ना अपने मुल्क की माशी जो हालत है ना, वो उसकी एकासी होती है इस कि फटा पुराना दस्ताना जैसे, इस तरह हमारे मुल्क की हालत हो चुकी है, लटेरे ने लूट लिया इसे, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। ये रिवैम्प होने वाला सिस्टम है, आप दोबारा से कोई इनकलाब आना है यहाँ पे, नए सिरे से काम शुरू होना है, ज़ीरो से फिर हमने हीरो बनना है। कम अज़ कम हमें अपनी ज़िंदगी में तो होता वैसा नज़र नहीं आ रहा। इनके ऊपर चलते हैं, देख लगता तो डर ही है लेकिन पहुंच गए हम एज पे, आगे माहौल ये बना हुआ है, एक एक खुरली बाहर पड़ी है और जानवर भी बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, बारिशें काफ़ी हुई हैं, पत्थरों का पानी भी काफ़ी अब चेंज हो चुका है, एक डेढ़ हफ्ता बारिश ना हो तो पानी इनका बड़ा गंदला हो जाता है, बीच में मछलियाँ भी हैं ना, वो भी गंद डालती होंगी, बतहें गंद डालती हैं। क्या हाल है थोड़ा? ठीक से? ठीक है थोड़ी? आज कितने अंडे आए ने फिर? 8-10। अच्छा जी, 7 पहला भेजे ने, फिर पानी शानी चेक कर लिया, 10 को बजे ना फिर एक अंडा देते हैं, वो नर ने भाई दिता होना याद रखा करो, राती सोने पहले एक बार याद करया करो, परसों मैं इन्हें पहले इन्हें, तुहानू कम से कम हफ्ते डेढ़ याद होने चाहिए। गोला बना लेना बर्फ का, 5-7 दाने मैं दियो यार खाई। अच्छा, फर्क पे पता नहीं, वो कहते हैं बीमारी कोई ना कोई खत्म हो जाती हो सकता है, सही गल हो। मैं सुनया कि ऐन पवे ना तो जी खलोवी है ना, जिन्हें जूं पुन खिलौना चाहिए बहर, जूं मर जानी है, बड़ा सख्त गोले भी लगते हैं, जूं तो मरे दी तो बंदे का भी काम हो जाएगा नाल। IQ लेवल चेक करें कि सर पे कपड़ा लिया है काले रंग का, हीट से बचने के, हालांकि ये हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, बजाय इसके सफ़ेद कपड़ा ले काला ले लिया ताकि और गर्मी लगे। कुर्बानी वैसे हालत क्या हाल थोड़ा? सब ठीक? हाँ हाँ।
ਪ੍ਰਸਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨੱਕ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਅੰਦੂ ਚਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੱਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਕ ਹੀ ਲਵਾ ਛੜਨਾ ਆ ਦੋ ਕੰਨ ਨੇ ਕੰਨ ਉਥੇ ਲਵਾ ਛੜਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਸਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਬਲਕਿ ਨਕੋੜੇ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਨੱਕ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ 4:12 ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਫਿਸ ਮੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆਪਣੇ अब चल के सब्जी की सूरत हाल चेक करते हैं एक बार। बोड़ा साहब जनाब आगे से मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। ओ है रे किधर कर लो गलती कदे कदे चंगी होती है बोड़ा साहब तो जनाब घर के लिए कोई गलती से सामान लेने जा रहे हैं। आज मौसम साफ है एक्सपेक्टेशन कोई है कि इस पूरा माह में बारिश होंगी। फिलहाल तो बादल को ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे क्योंकि 2-4 बदलियाँ आवारा गर्दी कर रही हैं। अरे कौन सा छेबा नुकरा छेबे नुकरे ये छेबे नुकरे को देखें चिचड़ पड़ गए गीले पाँव से ना इसने भी मेरे परसों कपड़े खराब किए हैं सारे। चलो उधर साइड पे यार कपड़े ना गंदे कर दे। अच्छा जी इधर जनाब बारिश की वजह से जमीन अभी तक तार बतार ब्रेकां को ज्यादा नहीं पीछे हो गई। अच्छा ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੋਖਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਹੈ ਰੇ ਜੇ ਕੋਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਬਾਬੇ ਵਰਸਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੈਸੀ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਉਲਟੀ ਉਂਝ ਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਰਾਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜ ਪੁੱਛ ਲੋ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂ ਮਲਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਟੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਤੇ ਉਲਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲੀ ਸਵੇਰ 3:30 ਮਗਰ ਬਚਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਪਾਲਕ ਪਟਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲਕ ਪਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕ ਕਾਟ ਕੇ ਇਸਕੋ ਨੀਚੇ ਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਡੱਬਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਵੇਸਟ ਡਰਮ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਕੇ ਇਸ ਡੱਬੇ ਕੋ ਹਮ ਕਾਟੇਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸੇ उसके लिए ट्रे बनाएंगे उसमें फिर हम BSF लार्वे रखेंगे क्योंकि लार्वे रखने की तैयारी भी हम अब कर रहे हैं। इन इतों कटो ना इशकारू आओ फिर ही दो ट्रे बन दे ना केड़ा जी जब पेट्रोल है के तीन माने उठा ते ओ खुरपे बाहर ही तार आए जो गोडी करके जे कोई चुक ले जाता फिर खुरपे बाहर पे रह गए इन्हों जी ਦੋ ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ
ड्रम ले लो बिल्कुल ठीक है सारा ही ठीक ठीक बन गए ने सर यार लो जी इसमें जनाब हम तकरीबन 10 किलो डालेंगे वेस्ट और उसके ऊपर 150 ग्राम डालेंगे कीड़े। अगर ये छोटा हुआ तो फिर 5 किलो वेस्ट और 75 ग्राम इस पे लार्वा डालेंगे। वैसे ठीक है छुप के निकले जाए किलो किलो तो बना रहे किन्ने बनाओ दे त्री आज जनाब पहली सप्लाई दी देने जा रहे हैं 30 मुठे पालक के इम्तियाज मार्ट पे उनसे इनकी डील हो गई है जी सब्जी की सप्लाई की नहीं है तो वैसे ऑर्गेनिक सब्जी उम्मीद तो है कि चल जाएगी आइयो धनिया बढ़ना है धनिया पूरा धनिया पूदना और पालक ये आज लेके जा रहे हैं दरेके जनाब यहाँ से उखाड़ के अब वो ऊपर शिफ्ट कर दी गई हैं 5 फीट दूर काली तोड़ी की गोडी हो गई आज जिस बंदे ने ये तोरी लगाई है उसको तो नाम मिलना चाहिए सारी क्यारी छोड़ के दीवार के साथ लगा दी जाके क्या ही जीनियस इंसान और जिसने ये लगाई है जहाँ ये भी हो सकता है उसी ने लगाई हो सारी क्यारी छोड़ के इस साइड पे लगा दी। शाम का टाइम होने को है जी अभी यहाँ पे एक बुलबुल बैठी हुई थी अब यहाँ से ना उड़ के कहीं फरार हो चुकी है क्योंकि इकबाल की जो बुलबुल थी वो भी शाम के टाइम ही टहनी पे उदास बैठती थी ना इसने उड़ने चुगने में दिन ज़्यादा गुजार लिया था वापसी की फिक्र नहीं रही थी। शहद की जो मक्खियाँ हमारी वो बस आते आते रह जाती हैं उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ना ये आ जाएंगी ना। आज माली आया था तो माली ने प्लांटेशन कर दिया यहाँ पे ना पौधे लगा दिए सारे ये इधर लगा दिए ये इधर लगा दिए वो पीछे भी ना एरिटेरिया ये क्या पौधा वो भी लग गया तो अब बस शहर के डब्बे का इंतज़ार है उम्मीद है कल परसों तक आ जाएगा। यकीन करें दुनिया की इस दौड़ धूप से ना मैं कभी कभी बड़ा तंग आ जाता हूँ सोचता हूँ कि बस किधर ना उधर एक छोटी सी झोंपड़ी बना लूँ या इससे भी कहीं और दूर जाके जहाँ पे कोई आबादी ना हो और वहाँ पे ना सुकूनत पजीर हो जाऊँ हमेशा के लिए। लेकिन ये भी बड़ी हकीकतें होती हैं कि हमें सामना करना पड़ता है जिनका अगर ज़िंदा रहना तो मतलब भाग भी नहीं सकते। इस दुनिया में जो सबसे बड़ी नेमत है ना वो फरागत है यानी कि फुर्सत
और उसके बाद जो सबसे बड़ी नेमत है ना वो है पुरसकून जगह, कि आपके पास वक्त भी हो और कोई जगह भी ऐसी हो जहाँ पे खामोशी और सुकून हो, और जहाँ पे सिर्फ नेचर हो, कुदरत, इंसानी अमल दखल ना हो, तो फिर क्या ना कि जो ज़िंदगी का मज़ा है उसका भी फिर अपना ही मज़ा है। खान साहब पेड़ लेके आ गए हैं। इन खान साहब ने बताया कि इन्होंने इधर से 12 किलोमीटर आगे जाने हैं, आज इनकी आखिरी चरागाह ये है, मतलब आज ये इधर स्टे करेंगे, कल यहाँ से फिर आगे सफ़र करेंगे। तो मैं तो इस बात पर हैरान हूँ, ये स्टे कैसे करेंगे, इनके पास कौन सा सामान होता है, मैंने ये तो नहीं पूछा कि हेमें, कंबल, रज़ाइयाँ, समथिंग जो भी है, मच्छर ज़्यादा इतना होता है यहाँ पे, तो कैसे ये खाना बदोश जो है ना ये सरवाइव करते हैं, ये भी एक अजीब ही बात है। ऐसा लगता है किसी दिन इनके साथ एक दो दिन बंदा रहे ना फिर पता चलता है जो ज़िंदगी कैसे गुजरती है। यहाँ पे दीवार की शटरिंग भी सारी मुकम्मल हो चुकी है, देखिए ये सारी, अब परसों से ना यहाँ पे काम का आगाज़ होगा, क्योंकि बारिश हुई है और अभी ज़मीन है गीली थोड़ी थोड़ी, तो इसमें वो मशीनें और वो बजरी वाली सारी चीज़ें, रेत की ट्रालियाँ, ये गुजरना मुश्किल है फिलहाल। ये वो डरबा था जो हमने कुत्तों के लिए यहाँ पे बनाया था, एक में एक कुत्ता था एक में एक, फिर वो साइड पर हमने बतहों के लिए एक बना लिया था, वो बतहें जो हम 20 नर बतहें लेके आए थे सियालकोट से, उसके साथ हमने ये घोड़ों के लिए बड़े बना लिया था, घोड़े चले गए, बतहें हमने खा ली, कुत्ते गोट फार्म पे शिफ्ट हो गए, हर चीज़ वीरान होगी, देखें ना किस तरह। अब वीरानी में ये देखें टटीरियाँ जो है ना, टटीरियाँ यहाँ पे रहती हैं, वो देखते इन्हें छत पे अंडे दिए, पता कोई नहीं इसका। अब सब वीरानी होगी, अब इधर ये दरख्त लगा दिए हैं बस कुछ, अगर ये हो गए तो थोड़ा सा इधर फिर आबादी हो जाएगी। वैसे अपना इरादा है कि इन कमरों में ना इधर वार्ड लगा के ना इधर कोई दो दिन गाय रख लें, क्योंकि दूध की काफ़ी ज़रूरत होती है, मतलब फैक्ट्री में भी घरों में भी आगे पीछे, तो ये काम यहाँ पे हो सकता है, अमला यहाँ पे काफ़ी हो गया, अब ये काम कर सकते हैं, ज़मीन भी है, चारा भी काश्त हो जाएगा। वो देखें आप सूरज अगर जा रहा है ना तो इस साइड पे देखें चांद आ रहा है कैसा कुदरत का निज़ाम है कि सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है डिम लाइट रात को, और हमें मुसाफिरों को रास्ता नज़र आता है, इससे कोई मुकम्मल अंधेरा नहीं होता। देख कैसा ये इकोसिस्टम है, इसने अपने आप को ऐसा परफेक्टली बैलेंस रखा हुआ। ये वो मोटर है जी जिसका पाइप बाबा जी ने तोड़ दिया था, पता नहीं तोड़ा क्या, ये तो मुझे नहीं पता, कहते हैं ये पाइप खींचा था तो ये पता नहीं क्या टूट गया, मतलब अभी इन्होंने रिपेयर करवा लिया। देखिए ना ये रिपेयरिंग के बाद शायद ये उसी के बकाया जात पड़े हुए हैं। ये सामने उधर से टटी उड़ के गई है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसके अंडे यहाँ पे हो, चल के देखते हैं उसके अंडे तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ बैठी हुई थी शायद, अंडे तो कोई नज़र आ रहे। ये बड़ी चलाक होती हैं, ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब अंडे किसी और जगह पे दिए होते हैं, बैठी किसी और जगह पे होती हैं, कहाँ के वो शिकारी उधर जाके अंडे ढूंढे, लेकिन अंडे उससे दूर होते हैं। तनिए की बारी आ गई, तनिए ने कट्ठा भी तोल के बना रहे हो जी, डायरेक्ट अंदाजन वजन कितना होना है, आधा किलो पूरा ये बढ़िया जा रहे हैं।
पालक जनाब एक किलो का मुठा तकरीबन और धनिया तकरीबन आधा किलो का मुठा पुदीना 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 हाँ अरे पुदीना इम्तियाज मार यू मार रहे तुझे खा रही है आज गुजरात जाना ओ कंडे ते भी पिया है ये देसी है या दूजा देसी है बड़ा 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 या सरकार सेवा कर रहे हैं जी मेवे पा रहे हो मेवे चार रेड़ियां मेवे आदियां मिश्री दियां सटियां काली मिश्री ए जी अपनी धागे वाली मिश्री तेरी जुत्ती जाने खा जानी मैं तो कहना ते उठा ला ले लो जना भिंडी नूं खाद पै गई खाद पै के वापस जा रहे हैं इम्तियाज वाले ने पता लगे खाद किस तरह की पाते ने चंगा फिर सलाम ला लो नहीं लेना सलाम कोई नहीं यार सलाम तो जवाबी हो गए रक्षा जनाब पहुंच गया सब्जी लेके जाने के लिए रक्षा जनाब तैयार हो गया जी हाँ जी मां किन्ने किन्ने मुठे ने सारे इन्हें ना लाश भी छुपाई दे रात फंडन चलो जी रक्षा साहब तो जा रहे हैं सेल करने सब्जी शाम हो गई जनाब रक्षा भी चला गया हम भी अब चल के करते हैं आराम सुबह इंशाल्लाह होगी दोबारा मुलाकात अल्लाह हाफिज